पकड़ लिया, हमको तो कुछ हुआ नहीं, हम तो गड्ढा में पड़े रहे हैं, पड़े हैं अभी तक। एक भक्त था, बड़ा पैसा वाला था, पैसा वाला था, तो सब कोई कहते हैं भक्त जो आप इतना पैसा है भाई, तो साधु सेवा में क्यों नहीं लगाते हो, भगवत सेवा कर सकते हो, तुम्हें इतना पैसा है, कितना इधर उधर खर्चा हो जाता है, छोटा सा एक मंदिर बनाओ, ठाकुर जी स्थापना करो, तुम्हारा पैसा का तो कोई कमी नहीं है, ठीक है, तो हरि कीर्तन करो, भगवत सप्ताह आदि करो, साधु सेवा संत सेवा करो, इसमें तो तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं जो तुम्हारा फर्क पड़ जाएगा, इसमें तुम्हारा परमार्थ भी होगा। यारों भी थोड़ा सा हल्का पतला थोड़ा सा भक्त तो था ही, तो ठीक हुआ कि मंदिर बनाएंगे, ऐसे ही साधु सेवा करेंगे, तो छोटा सा मंदिर बनाया, खूब धूमधाम से साधु सेवा शुरू कर दिया, भगवत सप्ताह आदि करना शुरू कर दिया। अचानक उसका एकदम ऐसे विपत्ति आ गया, बिजनेस सब ठप हो गया। बिजनेस ठप हो गया, घबरा गया, उसका मन तो उसमें है, किसी का पास सुना नहीं, ठाकुर बिगड़ लेकर के गंगा में डूबा दिया, झगड़ा ये जब से हम ये सेवा में लगे ये सब, तब तो जाकर के इन लोगों का बात सुन करके, साधुओं का बात सुन करके हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया, डुबा दो इसको गंगा में, भजन भजन छूट गया। तो भगवान देखेंगे ना तुम्हारा कितना तुम्हारा धैर्य है, तो देखेंगे ना, जब तुम चाहोगे, जो हमको चाहिए, तुम्हारे प्रेम चाहिए, तुम्हारी भक्ति चाहिए, तब शुरू होगा खेल। जब नहीं चाहते हो तब तक कोई खेल नहीं, खेल तो शुरू होगा तब जब तुम संसार से मुक्त होकर के भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त करना चाहते हो, वो प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, वो जुगल किशोर की सेवा प्राप्त करना चाहते हो हृदय से, तभी परीक्षा आएगी धीरे धीरे, कितना चाहते हो, देखेंगे कितना चाहते हो। हमारे गुरु भाई, वो भी थोड़ा सा पैसा वाला था, नवद्वीप में, हमसे बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था, तो गुरु जी से दीक्षा ले लिया, हमें मंत्र मंत्र सब लिख दिया, और भाई दो दिन में ऐसे प्रेम, गुरु जी की ऐसी कृपा हो गई, नीताई गौर हरिबोल, जहां जाता है नीताई गौर हरिबोल, बिजनेस करता है कोई कस्टमर आता है, नीताई गौर हरिबोल, नीताई गौर हरिबोल, बिजनेस में मन नहीं है, बाबा के पास आकर के ऐसे ही रोते हैं, ऐसे उसका रोना देख करके तो हम तो एकदम घबरा जाते थे, बोले भाई इतना जल्दी ऐसे प्रेम प्राप्त कर लिया, हमको तो कुछ हुआ नहीं, हम तो गड्ढा में पड़े रहे हैं, पड़े हैं अभी तक, देखो कि गृहस्थी होकर के देखो कैसे प्रेम, इतना रोना मने बेहद। बाबा वहां से नवद्वीप से जा रहे थे मनोहरपुर, अरे गाड़ी पकड़ के ऐसे चिल्ला के रोना शुरू कर दिया, बाबा जैसे सब मर गया, सब मर गया, उसके संसार में कोई है ही नहीं, बाबा चले जा रहे हैं छोड़ करके, ऐसे ऐसे बेकुल होता भाई, बाबा कृपा करो, बाबा दया करो, बाबा दया करो, बाबा दया किया, उसका बिजनेस ठप हो गया। भाई एकदम अल्प दिन के अंदर उसका कर्ज हो गया, कर्ज भी हो गया, आप उसके नीताई गौर बंद हो गया, नीताई गौर बंद हो गया, आप एकदम पूरा मौन हो गया, ये क्या हो गया, दीक्षा ले लिया, अब तो हमारा बिजनेस तो ज्यादा होना चाहिए, पैसा तो ज्यादा आना चाहिए, ये तो उल्टा हो गया, ये तो हमारा बिजनेस ही ठप हो गया भाई, यहाँ तो भाई ऐसे बात नहीं है भाई, चक्कर छोड़ो, धीरे धीरे बाबा के पास आना बंद कर दिया, हमसे दोस्ती बंद कर दिया, हमसे बहुत दोस्ती मित्रता था, उनको जब दीक्षा लिया तो हमारे पास, आज तक उस समय से आज तक उसका कोई खबर नहीं, कोई खबर नहीं, सुना है अभी तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल बिजनेस में लगा है, पैसा कमा रहा है, दान कमा रहा है। खैर ये बात नहीं है, भगवान सबको ही जो एकदम निर्धन कर देते हैं ऐसा बात नहीं है, तो परीक्षा तो आती है, उसमें घबराना नहीं चाहिए। दुख सु अनुद्विग्न मना सुखे सुविगत स्प्रिया वितरागो भय कुरदास स्थित दीन मुनि रुचते,
दुख आने से घबराते नहीं है, सुख आने से सुख को आदर नहीं करते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्ट दंधातीत विमत्सर सिद्ध असिद्ध कृत्यापि न निबद्धते। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, ये तो कर्ता प्रभु है, जैसे उनकी इच्छा ऐसे होती है। तुम चेष्टा करके भी कुछ कर नहीं सकते हो, ऐसा बात नहीं है तुम चेष्टा करके कुछ कर लोगे। अगर ऐसा होता तो संसार में निर्धन कोई रहता ही नहीं है, दुखी कुछ रहता ही नहीं। क्यों? चेष्टा करके सब दुख निवृत्त कर लेता, चेष्टा करके वो धन कमा लेता। अरे धन का पीछे देखो, चोरी डकैती बदमाश नदनी क्या क्या करते, फिर भी चला निर्धन। और बहुत ऐसे ऐसे दुर्जन है, मूरख गमार ऐसे ऐसे हमारे देश में है, मूरख भी है, गमार भी है, दुर्जन भी है। बुद्धि ऐसे मोटा बुद्धि, एकदम अनपढ़, अरबपति। अब क्या कहेंगे, उसके बुद्धिमत्ता ये धन का कारण है? वो जो अरबपति बना है क्या उसका बुद्धिमत्ता? अरे उसका अंडर में बड़े बड़े आईपीएस तुम्हारा पीएचडी बड़े बड़े विद्वान सब काम करते हैं, उसका अंडर में नौकर रखता है वो, कैसे संभव? वो बुद्धिमान है, विद्वान है। तो विद्वत्ता कारण नहीं है, ये तो होगा वही जो राम रच राखा। जैसे प्रभु ने जिसको जैसे जिसके प्रति जैसी कृपा करते हैं तद अनुसार वो ऐसे ही फल भोगता है। कारण प्रभु है, ये कोई कारण नहीं है। ना कोई काउ के सुख दुख दाता, निज कित कर्म सब फल भोग प्राता। कोई किसी का सुख दुख का कारण नहीं, ये जान करके बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहते हैं, दृष्टा बनते हैं, देखते हैं। हाँ, चेष्टा तो करना चाहिए, ये नहीं हम निश्चिष्ट होकर बैठे रहेंगे तो प्रभु सब करेंगे, प्रभु हमको खिलाएंगे, प्रभु हमको, ऐसे बात नहीं है। कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। कभी कभी देखा जाता है बिना चेष्टा से धन आ रहा है, और कभी कभी देखा जाता है जब चेष्टा करके भी हमारा पैसा हम रख नहीं पा रहे वो भी नष्ट हो रहा है, कर्ज हो रहा है उल्टा। हम कोशिश करते हैं, और कभी कभी देखा जाता है बिना कोशिश धन आ रहा है, ये कैसे कारण? कारण क्या है? कारण उस समय है, होगा वही जो राम रच राखा। हाँ ठीक है, फिर भी कोशिश तो करना ही चाहिए, लेकिन ये मत समझना हम कोशिश करके कुछ कर लेंगे, है ना? प्रभु की इच्छा बोलो। क्या जो भगवत भक्ति में आत्यंतिक रूप से जो लगे हैं वो उनके धन, वो धनहीन हो जाते हैं सबके लिए क्या ये? ना, सबके लिए ऐसा होता ही नहीं है। अम्बरीश महाराज कौन सा धनहीन थे? अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती राजा थे, कौन सा धनहीन थे? चक्रवर्ती राजा। और भगवान कहते हैं जैसे अहं भक्त पराधीन हूं अस्वतंत्र बुद्धि, जो मैं भक्त को दीन हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं है। दुर्भाषा को कहते हैं भक्त हमारे हृदय है और हम भी भक्त के हृदय है। भगवान कहते अम्बरीश महाराज को उपलक्ष्य करके वैराग होता अंतकरण से, बाहरी शरीर से वैराग नहीं होता है, मन में निष्काम भावना। कोई पुस्तक हमारा नहीं, प्रभु का है, जान करके अनाशक्त हो जाना, यह है वैराग। और वस्तु है नहीं, भीतर में वासना कामना है तो तुम वैरागी नहीं हो, तो भोगी है। भीतर में कामना है, धन है नहीं, पैसा नहीं, घर, बहुत सारे भिखारी रास्ते में पड़ा है तो उसको वैरागी कहा जाएगा? भाई घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, पैसा नहीं, कोड़ी नहीं, कटोरा लेकर बैठे, वो वैरागी है? अरे महारागी है वो, उसके भीतर में हाय हाय हाय, हा पैसा हा पैसा हा पैसा, वो तो ज्यादा भोगी है। तो वैराग माने दृश्यमान भोग्य पदार्थ के प्रति अनाशक्ति का नाम है वैराग। वस्तु है लेकिन इसमें आसक्ति नहीं है, ना? वस्तु बंधन का कारण नहीं, आसक्ति बंधन का कारण। संसार बंधन का कारण नहीं, संसार में आसक्ति बंधन का कारण। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार बंधन का कारण नहीं, इसको अपना मान करके इसके प्रति जो आसक्ति
ये बंधन का कारण है। कहाँ जाओगे? संसार चोर करके जहाँ जाओ वहीं सब सब मिलेगा तुमको। हम भी देखो नहीं यहाँ बैठे हैं, क्या नहीं है आपका घर में जो है हमारा आश्रम होने से क्या होता है, क्या नहीं है, है? लेकिन आसक्ति, आसक्ति बंधन का कारण, अनाशक्ति ही वैराग, आसक्ति ही बंधन। तो इस तरह से भगवान के ऊपर सब कुछ समर्पण करके, दृष्टा बन के, प्रभु को कर्ता मान करके, प्रभु के प्रसन्नता के लिए जब कर्म होता है तो वो कर्म उसका बंधन का कारण नहीं होता है ना? तो इस तरह से घबराना नहीं चाहिए, हर स्थिति में भगवत कृपा, प्रभु की इच्छा जान करके शांत रहना चाहिए। जद्रिच्छा लाभ संतुष्टो दंधाति तभीमस्वरो सिद्ध असिद्धो कृत्य अपि न निबद्धते। जैसे मिल जाए उसी में संतुष्ट। आज सूखा रोटी मिल गया कोई बात नहीं, जैसे मिल गया, नहीं मिला कोई बात नहीं। जद्रिच्छा लाभ संतुष्टो दंधातीत हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि, ये प्रकृति के एक नियम है। शरीरधारी प्राणी मात्र ही सबके लिए दंध का सामना करना पड़ता है। ठंडी है तो गर्मी है, सुख है तो दुख है, लाभ है तो हानि है, मान है तो अपमान है, शुभ है तो अशुभ है, ये होता है, होगा, ऐसा नहीं इससे मुक्त कोई नहीं है। तो दंधात, इसको कहते हैं दंधातीत, दंध को सहिष्णुता, स्थिति में सहिष्णुता होनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। एक दिन आप ही स्वयं कह रहे थे कि भगवान से आप दुख मत दीजिए, इस बात की हम नहीं प्रार्थना करेंगे। आप भले ही चाहे दुख दें, लेकिन उस दुख को सहने की शक्ति हमें दीजिए। हाँ, वो तो है, दुख तो होता ही है, ऐसा थोड़ी है हम चाहने से ही दुख से निवृत्ति हो जाएगी, दुख हमको विचलित नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो तो स्वाभाविक ही। लेकिन प्रभु कृपा करके उसको ऐसे शक्ति दे देते हैं, वो विचलित नहीं होते हैं, घबराते नहीं। जो भगवत शरणागत होकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करते हैं, जिनके जीवन के एकमात्र उद्देश्य है हरि भक्ति, भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, वो सहन कर लेते हैं और प्रभु उसको ऐसे सहनशीलता देते हैं, वो घबराते नहीं है। ऐसे नहीं दुख आएगा नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन दुख से वो घबराते नहीं है। दुख से अनुद्विग्न मना, दुख आने से घबराते नहीं है। सुखे सु विगत प्रिया, सुख आने से सुख को आदर नहीं करते हैं, ये सुख भी बंधनकारी है, तो वो जानते हैं ये सुख दुख दोनों झूठा है। सुखेशु विगत स्प्रिया, स्प्रिया शीर्ण हो जाता है, ऐसे भगवत भक्तों, ऐसे बात नहीं है। जो जो भजन करते हैं उसके लिए विपत्ति आती नहीं है, ये कोई सोचे हम भजन कर रहे हैं हमारे लिए विपत्ति आनी नहीं चाहिए, बहुत भ्रम हो जाएगा, डबल विपत्ति आ सकता है, डबल विपत्ति आ सकता है। लेकिन क्या होता है, भगवत भक्त प्रभु की इच्छा जान करके वो शांत रहते हैं, वो विचलित नहीं होते हैं। लेकिन साधारण जो संसारी बुद्धि संपन्न जो बहिर्मुख जीव है वो संभाल नहीं पाता, उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता है, घबरा जाता है, भगवान को दोषारोप करना शुरू कर देता है। हम भजन करते हैं हमारी ये स्थिति है, हमारी ये दशा, भगवान है नहीं, भगवान की कृपा, बेकार बात है, भगवान की कृपा हम पर है नहीं, ऐसा होने से क्या है, ऐसे दशा होती है हमारी, ऐसा कहते हैं, है ना। लेकिन भक्त ऐसा नहीं, भक्तों भक्तों और बहिर्मुख लोग, इनमें फर्क क्या है, बहुत फर्क है। भक्त जो होता है अशुभ में शुभ संकेत दिखता है, कहीं अशुभ होता है तो सोचते हैं इसमें कोई मंगल है, और शुभ में अशुभ दिखते हैं। मान लो
दान मान उपहार मान मर्यादा प्रतिष्ठा प्रेम प्रीति ये सब संसार में सभी चाहते हैं, चाहते हैं ना, कौन मनुष्य नहीं चाहते हैं? हमको सब कोई प्रेम करे, हमारे स्त्री पुत्र परिवार कुटुंब आदि जो है सब हमको खूब प्रेम करे, खूब खातिर करे, खूब आदर करे, सभी चाहते हैं है? हमको धन हो, ऐश्वर्य हो, प्रतिष्ठा हो, कौन नहीं चाहता है ना? कौन चाहता है हमको हमारा अपमान हो, हमारा लांछना हो, हमारा वस्तु नष्ट हो जाए? लेकिन भक्त जो है विपत्ति में संपत्ति दिखता है, जब कोई अमंगल हो जाता है, कोई वस्तु नष्ट हो जाता है, कोई मर जाता है, तो वो अच्छा हुआ प्रभु, अच्छा हुआ हमारे बंधन मुक्त करने के लिए प्रभु कृपा कर रहे हैं, आहा प्रभु तुम्हारी कितनी कृपा। एक भक्त एक क्या हुआ, वो भजन करता है, निष्किंचन भक्त है, वो क्या हुआ एक पेड़ पे चढ़ा है, चढ़ करके सूखी डाली तोड़ रहा है और वहीं पर बैठे बैठे प्रार्थना करते हैं, प्रभु तुम हमको इसी जन्म में जितना हमारा प्रारब्ध है भोगा लो, भोगा लो, लेकिन आगे हमको जन्म नहीं देना, इसी जन्म में हम तुम्हारे चरण प्राप्त करके मुक्त होना चाहते हैं प्रभु। ऐसे खूब भाव भावित होकर के ऊपर डाली में चढ़े, अचानक धाम से गिर गया भाई, टांग टूट गया है, टांग टूट गया और एक पांव तो टूट गया, एक पांव से नाच रहा है। प्रभु की कितनी कृपा है, देखो हमारे सुन लिया प्रार्थना, जब की जन्म में भोगा लो, देखो हमारा भोगा लिया, ना जाने क्या होना था, प्रभु ने भोगा लिया, सुन लिया प्रभु, इतनी करुणामय। देखो विपत्ति में संपत्ति दिखता है, टांग टूट गया वो देखते है प्रभु की कृपा, अच्छा हुआ प्रभु हमको भोगा लिया है। नामदेव के झोपड़ी में आग लग गया, वो नाश रहे बाहर आके, प्रभु हमारा वासना मुक्त करने के लिए, हमारे बंधन मुक्त करने के लिए, हमारे आसक्ति मुक्त करने के लिए आग लग गया झोपड़ी में, प्रभु ये कपड़ा लो, लगता लो प्रभु, ये भी बंधन का कारण, प्रभु ये लो, आहा प्रभु के कितनी कृपा, देखो हमारा झोपड़ी में कहीं आसक्ति हो जाए तो इसलिए आग लगा दिया, आहा कितने दयालु प्रभु, देखो कितनी दयालु, आहा प्रभु तुम इतनी दयालु, देखो इसमें दया देख रहे हैं, जो अपनी आग लगे वो दया देखते हैं, बहुत कठिन बात है। तब ना भक्तो, तब ना भगवान कहते हैं अहं भक्त पराधीन, ऐसे थोड़ी अधीन हो जाएंगे भगवान, कैसे किस विचार पर अधीन हो जाएंगे, कौन सा बात पर, तुमने क्या दिया पाने का तो बहुत कोशिश किया, चेष्टा किया, चाहते तो खूब, क्या तुमने क्या दिया पहले देने का हिसाब करो, प्रभु ने हमको क्या दिया ये हिसाब मत करो, तुमने प्रभु को क्या दिया पहले ईसा हिसाब करो, रोना है तो रोना चाहिए, जब हमने अभी तक प्रभु को कुछ दिया नहीं, दे नहीं सका, अभी हमारे भीतर कामना वासना मोह आदि भ्रम सब हमारे अंदर भरा हुआ है, लालसा अहंकार हमारे अंदर क्या नहीं क्या अवगुण सब भरा हुआ है, हमने तो प्रभु को अभी तक कुछ दे नहीं पाया, इसलिए रोना चाहिए, हमने प्रभु को कुछ दिया नहीं, सब भरा हुआ है हमारे अंदर लोभ लालसा सब भोग वासना सब कुछ, हम पाने का हिसाब करते हैं, अरे देने का हिसाब करो, तुमने क्या दिया, अरे हम ये देने का हिसाब, हम पाने का हिसाब कर, तुमने हमको क्या दिया तुमने हमने हमको क्या दिया। हमने कोई भक्त का घर गए थे, उसका बड़ा बिजनेस था, फैक्ट्री था, चलता था खूब, अचानक कोई कारणवश उसे फैक्ट्री बंद हो गया, लेकिन ऐसे नहीं रास्ते में आया नहीं, ऐसे नहीं, उसका मकान था, कई करोड़ रुपया का मकान था, फैक्ट्री अगर बेच भी दे ऐसे ही, वो भी कई करोड़ रुपया का फैक्ट्री, लगभग मिला करके 10-20 करोड़ रुपया तो उसका प्रॉपर्टी था ही। हमको कह रहे हैं बाबा हमारे ये दूर दिन से कब हम मुक्त हो जाएंगे, हमारी ये दशा फैक्ट्री बंद है, भगवान क्या हमारी तरफ नहीं देखेंगे, हम देखते रहेंगे उसके मुख की तरफ, देखो उसका पास अभी भी कम से कम 20 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी है, और कहते हैं भगवान कब हमको दया करेंगे, क्या हमारे प्रति भगवान की कृपा नहीं होगी, हमारे ऐसे ही दिन चलेंगे, ऐसे ही फैक्ट्री हमारा बंद है, ये बंद है, काम बंद है, धंधा, अरे तुम्हारे पास
अभी 20 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी है, भगवान तुमको दिख नहीं रहा है, तो रास्ते के भिखारी जो रास्ते में बैठे वो क्या कहेगा? ऐसा है, पूर्ति नहीं, पूर्ति नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, है ना? तो ऐसे होनी चाहिए जो हर स्थिति में प्रभु की कृपा अवलोकन करते हैं, है ना? और क्या, भक्त जो होता है विपत्ति में संपत्ति देखता है, विपत्ति आने से सोचता है प्रभु की कृपा, संपत्ति माने प्रेम प्रीति धन ऐश्वर्य लाभ पूजा प्रतिष्ठा, ये आने से घबरा जाते, प्रभु देखो ये हमको फंसा रहा है, तुम्हारा प्रेम प्रीति माया मोह ममता देखो प्रभु ये हमको बचा लो, प्रभु हमको घेर रहा है, माया घेर रहा है, प्रभु तुम हमको बचा लो, इससे मुक्त कर दो, प्रभु हमको एकांत में ले चलो, हमको जंगल में ले चलो, ये हमको फंसाएगा, हमको माया में फंसा के हमको संसार चक्र में ले जाएगा, भय भय भी तो हो जाता है, घबराता है, जो संसार लोग चाहते हैं क्या, मान पूजा प्रतिष्ठा धन दौलत वित्त वैभव प्रेम प्रीति सौहार्द, ये चाहता है संसारी जी, और भक्त घबराता है, प्रभु बचा लो हमको, विपत्ति संपत्ति में विपत्ति और विपत्ति में संपत्ति, ऐसे भक्त थोड़ी होता है, भक्त होना उतना सहज बात है, कंठी धारण कर लिया, तिलक कर लिया, ठीक है अच्छा है, दो मेरा माला भी कर लिया, बढ़िया है, लेकिन ये मत अभिमान नहीं करना, हम भगवान के बड़े भक्त हैं।